मेरी विजय के लिए रश्मि प्रभा को अपने प्राणों का त्याग करना ही होगा। अब मैं किसी भी बाधा में अपने अस्त्र का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा। फिर वो शत्रु आप ही क्यों ना हो, आप ही क्यों ना हो, और विजय के लिए इतना तो चलता है गणेश जी। पिताश्री, 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 मेरे पिता के भीतर ये कौन आ गया है? और ये भी भूल गए पिताश्री, ईश्वर पे वार नहीं किया जाता, उनके शरण में जाया जाता है। हे प्रभु, आपका ये भक्त आपसे दूर रहकर भी आप में ही रमा रहे, मुझे बस इतना आशीष दीजिए। हनुमान, जिस प्रकार तुम्हारे हृदय में मैं वास करता हूँ, उसी प्रकार मेरे हृदय में तुम वास करते हो, इसलिए तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मेरा प्रेम, मेरा स्नेह, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तब हमें आज्ञा दीजिए माता। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। प्रभु श्री राम की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। माता, अब आप मुझे भी अनुमति दीजिए, मैं पुनः अपनी तपस्या में लीन हो जाऊं। केसरी पुत्र अंजनी नंदन श्री राम भक्त श्री महाबलि हनुमान जी की जय। केसरी पुत्र अंजनी नंदन श्री राम भक्त श्री महाबलि हनुमान जी की जय। जय श्री राम। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। माता, अब तो केवल भंडासुर ही शेष है, उस पर आक्रमण कब करें हम? भंडासुर पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी देवी मंत्रीनाथ। कल सूर्य की पहली किरण के साथ साथ उसके कण उसके अंत को उसके सामने ले आएंगे। नहीं, मैं अपने प्रभु अपनी पुत्री पर वार नहीं कर सकता। उस प्रेम का क्या लाभ जो तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण ना करे, जो तुम्हारे मान के स्थान पर तुम्हारा अपमान करे। वो भक्ति कैसी जो तुम्हारी विजय से तुम्हें दूर करे। प्रभु पुत्री कुछ नहीं, जो है वो मात्र विजय है। विजय प्राप्ति के लिए सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है भंडासुर, सब कुछ विजय के लिए, सब कुछ चलता है। तुम्हारी पुत्री के सामने तुम्हें दंडित नहीं करना चाहता मैं, इसलिए अंतिम अवसर देता हूँ। मुझे विवश मत करो, चले जाओ यहाँ से। आप जिसके सामने मुझे क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, वही है मेरी असफलता का कारण, और अपनी विजय के लिए मुझे इसे आपके सामने क्षति पहुंचाने में कोई संकोच नहीं होगा।
क्या ये माता का ही क्रोध है जो गणेश के माध्यम से प्रकट हो रहा है? मैं अभी भी पराजित नहीं हुआ हूँ गणेश जी। भंडासुर, अपनी सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुके हो तुम। तुम्हारे पापों की गागर अब भर चुकी है और जब भी ऐसा होता है तो ऐसा पापी केवल और केवल दंड का अधिकारी होता है। इसलिए दंड के लिए तैयार हो जाओ भंडासुर। आपका कोई भी रूप ना मुझे भयभीत कर सकता है और ना ही मेरे विजय रथ की बाधा बन सकता है। और विजय के लिए मैं भंडासुर कुछ भी करूंगा। फिर से उभर आया मेरे हाथ पे। यही हाथ था ना जिससे तुमने रश्मि प्रभा को क्षति पहुंचाई थी। अपनों को कष्ट और पीड़ा देने का यही परिणाम होता है कि स्वयं को अपार पीड़ा भुगतनी पड़ती है। यदि मेरा हाथ मुझे दुर्बल बनाकर मेरे लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करेगा तो मैं उसे भी अपने शरीर से विलग कर दूंगा। नहीं पिताश्री, नहीं। आप चकित क्यों हो गए गणेश जी? मैंने कहा था ना कि आज कोई भी बाधा नहीं रोक सकेगी मुझे। अब मैं करूंगा अपना वास्तविक प्रहार। के लिए मुझे इसका त्याग करना ही होगा। जब तक मेरे तन में प्राण है इसके प्राण छीनने का प्रयास कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो मैं भी देखता हूं गणेश जी कि मुझसे आप इसकी रक्षा कब तक कर पाएंगे। अब जब भंडासुर युद्ध भूमि में आएगा तो उसके प्राण अब अधिक समय तक शेष नहीं रहेंगे। कल सूर्य की पहली किरण के साथ उसके कण उसके अंत को उसके सामने ले आएंगे। सूर्योदय के साथ अब भंडासुर के जीवन का अस्त होने ही वाला है। वो खंभ वो मेरा सहायक बनेगा। गणेश जी,
अब आप नहीं रोक सकेंगे मुझे। ये इस धूम्र के पीछे छिपने की कोशिश क्यों कर रहा है? इससे पहले कि ये इस धूम्र के पीछे छिपकर कुछ अनुचित करने का प्रयास करे, मुझे इस धूम्र को हटाना होगा। भंडासुर, तुम्हारी अनुचित कामना ने तुम्हारा विवेक हर लिया है। तुम अब भी सफल नहीं होगे। पिताश्री, अब तुम्हारे अपराधों और पापों का दंड मिलेगा तुम्हें। पुत्र गणेश, माता पुकार रही है मुझे। गणेश गौलोक के परम कृष्ण के अंश हैं, जो माता पराशक्ति के ही पुरुष स्वरूप है। इसलिए माता ललिता के देवी दुर्गा स्वरूप के दर्शन गणेश जी में होना स्वाभाविक है। नहीं नहीं, आप मेरे जन्मदाता हैं, आप मेरा अंत नहीं कर सकते। प्रभु, जन्म तो मैंने ही दिया तुम्हें, प्राण दिए, किंतु क्या लाभ? यदि जीवन को सत्कर्म में ना लगाकर व्यक्ति अधर्म पर चले और अपना जीवन व्यर्थ कर दे तो दंड का ही भागी होता है। तुम्हारे दुष्कर्मों, तुम्हारे पापों के दंड के लिए अब तुम्हारा प्राणांत मात्र और मात्र माता पराशक्ति श्री माता ललिता के हाथों ही होगा। माता ने कहा था, सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही इसके अंत का आरंभ होगा। अब जब ये दुष्ट भंडासुर उठेगा तो वो अपनी अंतिम सांसें ही गिनेगा, क्योंकि अब उसे चीर निद्रा में सोना है। माता के हाथों उसका अंत होना है। माता, माता प्रणाम। माता, पिछली बार मैं आपका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाई थी। किंतु मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्री, और सदा रहेगा। माता, मुझे ज्ञात है मेरे पिता ने बहुत पाप किए हैं, किंतु मैं उनकी पुत्री, अभी भी मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें क्षमा देने की कृपा कीजिए। उन्हें समझाइए माता कि वो ये सब छोड़ दे, अभी भी अच्छाई का मार्ग अपना ले और आपसे क्षमा मांग ले। पुत्री का पिता होना भाग्य नहीं, सौभाग्य होता है, ईश्वर का अनमोल उपहार होता है। आज से मैं घोषणा करती हूँ कि जो भी पिता अपनी पुत्री के स्नेह का सम्मान कर उससे भी स्नेह करेगा, वो सदा स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। उसके जीवन में कभी भी कोई अपूर्णता नहीं होगी। किंतु जो भी पिता भंडासुर के समान अपनी पुत्री के स्नेह का अनुचित लाभ उठाएगा,
उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा, जैसे अब भंडासुर करने जा रहा है। गणेश जी, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। माता, आपके वचन के कारण मैंने आपको प्रत्येक असुर का अंत करने का उपाय सुझाया और सभी आपकी कृपा से पराजित हुए, किंतु अब ये भंडासुर ही शेष है जिसका अंत आपके हाथों ही होगा, इसलिए अब आप इस संसार को इससे मुक्त कराइए। तुम्हारा क्रोध मेरा अंत करेगा, यही कहा था ना तुमने देवी? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा क्रोध नहीं, भंडासुर का क्रोध, भंडासुर का आतंक पराजित करेगा तुम्हें। आज ये भूमि, रणभूमि, समस्त संसार भंडासुर के क्रोध का साक्षी बनेगा। मैं महानतम असुर, सर्वशक्तिशाली हूं गणेश जी। कोई भी क्या, ये देवी पराशक्ति भी मेरा अंत नहीं कर सकती। पिताश्री, आप क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? पुत्री, तुम्हारे पिताश्री के अपराधों के लिए उनकी मुक्ति एक अंतिम उपाय, किंतु फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा रखने के लिए उन्हें एक अंतिम अवसर अवश्य दूंगी। किंतु अब मैं किसी को कोई भी अवसर नहीं देने वाला। माता इस दुष्ट को एक और अवसर देने जा रही है, और यहाँ इस दुष्ट ने अपने सभी छहों विकारों को जागृत कर उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया है। दीजिए, कैसे असंख्य अस्त्रों की वर्षा उत्पन्न कर दी इस दुष्ट। कैसे दूर होगी? अब समय आ गया पुत्री। यादेवी शक्ति रूपे नमस्ते।
सभी का अंत कर दूंगा मैं। ये अस्त्र रश्मि प्रभा का स्पर्श भी नहीं कर सकेंगे। जिसका हृदय निश्चल होता है, ईश्वर स्वयं ढाल बनकर उसकी रक्षा करते हैं। भंडासुर स्वयं ऐसा अस्त्र है जो समस्त जगत को भस्म कर सकता है। वो महाशिव अस्त्र जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा, उसका प्रयोग करूंगी मैं।